अकाल मृत्यु वो मरी जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा अद्भुत है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकाल सर्वोत्तम शिवलिंग माना गया है। कहते हैं आकाशी तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। कहते हैं कि भगवान शिव काल से परे हैं, वे आदि हैं और वे ही अनंत हैं, वे महाकाल हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में है। श्रावण मास हमारे भोले बाबा भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान शिव भक्त देश में फैले 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। इससे भक्त पर शिव की अति कृपा होती है। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इस भव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना पर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। आइए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने और भगवान शिव की महिमा की कथा। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वेद प्रिय नाम का एक ब्राह्मण अवंती नामक नगर में रहता था। वो शिव का परम भक्त था। प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर वो भोले बाबा की पूजा करता था। नियमित रूप से धार्मिक कर्म कांड के कामों में उसकी विशेष रुचि थी। एक बार दूषण नामक राक्षस नगर में आया और लोगों को धार्मिक कार्य करने से रोकने लगा। राक्षस को ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था, इसी कारण उसका आतंक बढ़ता गया। राक्षस की पीड़ा से दुखी होकर सभी ने शिव से रक्षा के लिए विनती की। भोलेनाथ ने नगर वासियों को राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी, किंतु दूषण राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने नगर पर हमला कर दिया। भोलेनाथ क्रोधित हो उठे और धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। क्रोधित भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार से राक्षस को भस्म कर दिया। इसे देखकर ब्राह्मण भक्त अति प्रसन्न हो गए तथा भगवान शिव से वही रुकने का निवेदन किया। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। इसी कारण इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा। यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव राक्षस का वध करने के लिए धरती फाड़कर स्वयं प्रकट हुए थे, ऐसा कहा जाता है। हर हर महादेव।